So hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS third professional student from Nalanda Medical College, Patna. And आज है finals NPL का जो कि हो रहा है Titans और Hunters के बीच. तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए मैच. आप लोग भी मेरे साथ चलिए और देखते कौन जीतता है. और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ये वीडियो पूरी देखिएगा एंड लाइक और शेयर जरूर करिएगा. लेट्स बिगिन. गाना तब तक बड़ा बढ़िया बढ़िया. अच्छा तो बजा रहा था आज महाशिवरात्रि है तो बाबा के नाम पे बजाओ. बोलिए कुछ आज के मैच के बारे में. आज का मैच फाइनल मैच NPL सीजन 4 का फाइनल मैच, सबसे पॉपुलर टूर्नामेंट आज के दौर का. और ये टूर्नामेंट वक्त के साथ और बड़ा हो गया और ऐप के आने के बाद तो ये इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग टीम इंडिया का स्कोर छोड़ के हम लोग का स्कोर देख रहे हैं. बहुत यूज जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है. जन गण मन चलते हुए कॉपीराइट की वजह से सुना नहीं पा रहा. अमूल बॉस अपनी टीम के बाद किसी टीम का नाम भी याद रखना पसंद नहीं करते हैं. वाओ क्या शानदार एंट्री है. प्रारंभ होगा, पहली गेंद डाली जाएगी. कुछ ही क्षणों में ये कब से इंतजार हो रहा था इस फाइनल का और दो सबसे बेहतरीन टीमें इस टूर्नामेंट की आज फाइनल खेल रही है. पहली गेंद और इरादा स्पष्ट किए, स्लोअर गेंद एम्पायर के फैसले का इंतजार और चार रन. ऐसे बहुत कर दिया है, बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट. पहले ही ओवर में इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी सफलता पहले ही ओवर में सारा तरफदार आने वाले खिलाड़ियों पर रहेगा. अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, देखना होगा अंपायर पे नहीं, नॉट आउट दिया है. अच्छी गेंद, उछलना चाहते थे रविकांत, अगर थोड़ा सा उछलते तो खतरा हो सकता था काशराज के लिए. फिर से एक हाथ से लिया और पकड़ भी लिया और आउट. अच्छी गेंद, बिल्कुल साउथ के हाथ में, सिचुएशन गजब का क्रिएट हुआ. जाते हैं, अच्छा शॉट, गोल मौका नहीं जब तक किसन जाकर गेंद को फील्ड कर. आंतरण जनते आ रहे हैं, शानदार शॉट, चार रन. अंतिम गेंद, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद और आसान से प्रमेय ने गेंद को कैच किया और गौतम के रूप में NMCS टाइटंस का एक महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ चौथा विकेट NMCS टाइटंस का पेविलियन में लौटता हुआ. थोड़ी सी रफ्तार धीमी हुई थी, अब उसको मैनेज कर लिया गया है. अभिषेक शर्मा और अंकित दोनों खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं. 13 रन के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं अंकित कुमार और 8 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा. गेंद हवा में, फील्डर गेंद के पीछे कर रहे हैं और प्रमाण कभी भी कैच मिस नहीं करते हैं. क्रिकेट के प्रति इनका जुनून काबिले तारीफ है. बिल्कुल मोविंकर ने कैच पकड़ लिया है.
क्या शॉट खेला पहली गेंद पे, ऐसा लगा कि अपने पारी का इंतजार कर रहे थे। राम दयालु मीना फिर से अच्छी थे। दो रन हुआ। मैं जानना चाहूंगा स्कोर सुजीत घोष स्कोर हुआ 80 रन। 80 रन सुजीत घोष, एक बाइक से भी उसका भी ले लो स्कोरिंग किया है वो। कितना रन बना? 80 रन बना। बना पाएगा कि नहीं हैंडल? बना लेगा। बोलने तो डायलॉग भूल गए। क्या लगता है कौन जीतेगा? कोई नहीं जीता यार, इस सब दिख नहीं आए। दर्शक लगता अल्पाहार लेने चले गए। क्या लगता है देखिए, अभी तक सारे मैचेस जो हुए हैं हंटर्स और क्या थी हंटर्स टाइटंस के बीच में सारे लो स्कोरिंग मैच हुए। उम्मीद है कि हंटर्स को आसानी से जीत तो नहीं मिलेगी, काफी क्लोज मुकाबला जाने वाला है, कंटेस्टिंग होने का मजा आएगा ना। को बुलाया गया है सलामी बल्लेबाज के तौर पर एनएमसीएच। आप लोगों को
टीम, वी डाई एज अ टीम, वी वॉन एज अ टीम। विराट कोहली हेलो एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर नॉन सपोर्टिंग एंड सपोर्टिंग माय टीम। वी आर हंटर्स एंड फाइनली वी आर हंटर्स। आई मेरी टीम में कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, सारे प्लेयर्स हैं मेरे, एवरी प्लेयर इज यूनिक, इवन आई बिलीव इन द लास्ट प्लेयर ऑफ माय टीम एंड ही हैज प्रूव दैट। सौरभ ने प्रूव किया, ही इज नॉट द लास्ट, ही इज द फर्स्ट वन, उसने मैच निकाला है। पहले वाले तो ठीक है, वो तो बिना प्रेशर के खेल के चले जाते हैं, हेलो प्रो मैन, लेकिन टीम एफर्ट जो है वो टीम एफर्ट मुझे आज फाइनल का कप दिलाया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मैं 3 बजे रात में मैसेज करता था तो मुझे 3:30 बजे रिप्लाई आता था, यस बॉस वी आर रेडी। मैं कहता था कि वी विल बुक द ग्राउंड, सुबह मैसेज आता था यस बॉस वी आर रेडी। मैं ये कहता था कि कोई बात नहीं सब खेलेंगे, कल की गलती छोड़ दो, फिर यही बात आती थी यस वी आर रेडी। सब अपने बहुत ही एफर्ट देखे इन्होंने, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग की जो भी चीजें हुई, मैं पास नहीं खुदे दूंगा, बस यही है, ये कप मेरी टीम के लिए है, मेरी टीम के द्वारा है। थैंक यू हंटर्स, थैंक यू एवरीवन। मैं तो ये कहूंगा कि एक क्रिकेट की जीत है, कोई टीम बहुत अच्छा, टीम जीतती है कोई टीम हारती है, पर जरूरी है कि हमेशा एक फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए, और फाइटिंग स्पिरिट तो भी टीम ने दिखाया है। एंड आई एम हैप्पी फॉर अंडर 2023 दिस लेगेसी, और इन्होंने हमेशा खेलने के लिए आए इस ग्राउंड पर, कितने एफर्ट दिखाया। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद ऑल द प्लेयर्स, मतलब दे आर सो रेजिलिएंट, दे आर नॉट गिविंग अप, वो लोग ऑलमोस्ट हारते हुए भी हमारे मुंह से जीत तो निकाल के लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इसी तरह से खेलते रहे, पार्टिसिपेशन रहता रहे, ग्रुप को डेली नहीं डालना पड़े कि भाई आओ खेलने, आओ खेलने, आओ खेलने, समझ गए। चलो एंड द बेस्ट वर्सेस हंटर्स था, जिसको वॉरियर्स वर्सेस हंटर्स ने जीता था, जिसमें किशन कुमार अपनी बॉलिंग के बदौलत मैन ऑफ द मैच लिए थे, 3 ओवर 11 रन। खेला गया था रवि कांत के बेहतरीन बैटिंग और बेहतरीन बॉलिंग के वजह से ऑलराउंड प्रदर्शन कर लिए, रवि कांत को इन ओवर का मैच मिला था। बहुत अच्छा रन बनाया था वो, 50 और सब दे दीजिए अभी इसको के साथ, दो तीन वाओ है तुम्हारा, बहुत दो तीन को और है, सब दे दीजिए अभी। अगला मैच वॉरियर्स वर्सेस टाइटंस में हुआ था, जिसको वॉरियर्स ने जीता था, और हमारे कॉलेज के सबसे अच्छे बॉलर्स में से एक हरिशंकर 3 ओवर 10 रन और 3 विकेट के बदौलत मैच वॉरियर्स अपने नाम की थी। मैं स्टेज पे विनीता मैम को बुलाना चाहूंगा। क्लैपिंग। सारे मैच जो हुए बेहतरीन मैच हुए, पहला मैच जो था हंटर वर्सेस टाइटंस के बीच खेला गया था, और फिर से मैन ऑफ द मैच लिया था गौतम कुमार ने अपने 24 रन और 3 विकेट के बदौलत। मैं शिखा मैम को इनवाइट करूंगा कि प्लीज अगला मैच वही है जिसमें बुल्स पार हो गई थी, अब फिर से अनिकेत बॉस अपने एक तरफा प्रदर्शन के बदौलत ये मैच जीत के ले गए थे। मैं चाहूंगा कि अंबुज बॉस आए और ये ट्रॉफी अनिकेत बॉस को दें। मैच हुआ था वॉरियर वर्सेस बुल्स का, जिसे सैमी झा की गेंदबाजी के बदौलत वॉरियर्स ने जीत लिया था, तो मैं सैमी झा को स्टेज पे बुलाऊंगा और प्रीति मैम को बुलाऊंगा कि प्लीज। अब स्टार्ट होता है क्वालिफाइंग, उतना ही जरूरी है जितना खिलाड़ियों का योगदान है, तो मैं उसी क्रम में कुछ ऐसे नाम लेना चाहूंगा। मैं बेस्ट एम्पायर के लिए उमेश को रिवॉर्ड करना चाहूंगा, उसके लिए मैं अभिषेक बॉस को बुलाऊंगा स्टेज पे। अभिषेक बॉस सर्जरी वाले
अपनी बेहतरीन कमेंट्री की वजह से कितने सारे दर्शक को यहाँ ग्राउंड तक पहुंचा दिया था आनंद भूषण ने। बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड मैं चाहूंगा आनंद भूषण को मिले और उसके लिए प्रियांशु बोस को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जो इस टूर्नामेंट में विकेट लिए और अपने एक्यूरेसी के लिए जाने गए वो है गौतम और गौतम 13 विकेट के साथ बेस्ट बॉलर रहे। मैं चाहूंगा कि सैमी था इस चीज को इस अवार्ड को दे। अनुपम अनुपम है इस जगह के अलग बात है। और इस टूर्नामेंट का ये जो लास्ट मैच था फाइनल का जिसमें इतने करीबी मुकाबले हुए जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि फाइनल जिस तरह का होगा फाइनल उसी तरह का हुआ और अंत तक मैच जैसा मैं कहता रहता हूँ कि खुला था और अंतिम में से हंटर्स ने जीत लिया। तो हंटर्स टीम के परफॉर्मर रवि कांत जो बल्ले गेंद दोनों से इसमें परफॉर्म किए थे तो मैं इनको अवार्ड देने के लिए स्टेज पे अंबुज बोस को बुलाना चाहूंगा। अवार्ड है वो बेस्ट बैट्समैन का है। अब पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से जादुई अंक हमेशा हासिल किया है और मेरे ही स्कूल के भी जूनियर और कॉलेज के भी जूनियर रवि कांत को एक ट्रॉफी मिलता है। मैं फिर से अनिकेत बोस को इनवाइट करना चाहूंगा। प्रदर्शन किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में और फिर से वो वही है रवि कांत। सामी जी को बुलाऊंगा कि मैं उनका टूर्नामेंट अवार्ड इसको दें। बाप रे गजब लूट लिया सब लूट लिया सब ले लिया। बेहतरीन प्रदर्शन इस लड़के का। मैं इतनी ट्रॉफियां जीत। अगला मैच जो हंटर्स वर्सेस टाइटंस के बीच हुआ था और ऑलराउंड परफॉर्मेंस ऑफ गौतम के वजह से टाइटंस ने ये मैच जीत लिया था तो मैं गौतम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और प्रिया मैम को मैं बुलाऊंगा स्टेज पे। आप प्लीज आइए ट्रॉफी उठाएगा लेकिन उससे पहले मैं बता मेडल्स बनाना चाहूंगा दोनों रनर अप और विनर को। तो दोनों टीम के प्लेयर एक लाइन से आते जाएं। पहले रनर अप आए लीडिंग बाय अनिकेत बॉस। राजीव और बाकी किसी एक को दे दिया जाए मानिल को सब या गौतम को सब दे दो बाकी वो विनर टीम एक लाइन से सब लोग आ जाए। वैभव बॉस अब लीड करके सबको ऊपर तक लेते आइए उधर से लेते आइए अच्छे से आइए जैसे आप लोग जीते हैं उसी तरह सब लोग आइए। मैं चाहूंगा कि हरिशंकर और राज आनंद प्लीज इनको मेडल पहनाए आ जाए। पब्लो सर्जरी का टीम नहीं दिया ही। राजू तुम आगे चले जाओ जीजे बोस सबको नहीं पहना पाएंगे। क्या ही करें रिकॉर्ड वाह किशन वाह कौन बजिया
जिसका सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। एक टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन, हो सकता है कि कागजों में हंटर्स उतनी मजबूत नहीं दिखी थी लेकिन वो ग्राउंड पे बहुत मजबूत दिखी। और मैं ये ट्रॉफी देने के लिए दो लोगों को बुलाना चाहूंगा, अंबुज बॉस और गौरव बॉस। आप दोनों स्टेज पे आ जाएं। गौरव बॉस आप ही को, अंबुज बॉस आप ही आ जाएं। ये ट्रॉफी प्राइवेट बॉस के हाथों में दिया जाए, द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव बॉस, पड़ाका वड़ाका भी मंगवा के रखना चाहिए था आज तक को, पिछले बार तो हम मैनेज कर